नमस्ते दोस्तों, आप सभी को रहस्यमय उड़ीसा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं और पावन श्री हरि कथा मंदाकिनी के और एक अध्याय में आप सभी को प्रणाम करते हैं। जय हे अच्युत, जय हे अनंत, जय जय बलराम, जय जसोवंत, जय जगन्नाथ, जय जय कल्कि राम। भगवान श्री कल्कि नारायण की श्री चरणारविंद में अनंत कोटि बार दंडवत और पंच सखाओं के चरणों में अनंत कोटि बार शत शत कोटि बार दंडवत। बारण बेलरे कारण हुई भी चिन्हिन पारिवे कही, लक्षे पंचाशी ग्रंथ बुझाइवी संबल रे उदय हुई। 1,85,000 ग्रंथ दिव्य ग्रंथ की रचना करने वाले दिव्य महापुरुष और भविष्य दृष्टा महापुरुष श्री 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 अच्युतानंद जी। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी कह रहे हैं कि सही वक्त आने पर यानी अंतिम समय आने के बाद मैं खुद लोगों के सामने 1,85,000 ग्रंथ को पढ़कर सुनाऊंगा और उसे समझा दूंगा। आप जिन्हें कल्कि नारायण यानी कल्कि राम कहते हैं वो और कोई नहीं, वो वही अच्युत है। जो जगन्नाथ हैं वही अच्युत है और वही कल्कि राम है। इसीलिए तो महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी ने कहा है, ज्यों जगन्नाथ मूर्ति नीला चल रे ख्यात, से ही जगन्नाथ मूर्ति पद्मवने उदित। पद्मवन यानी नेमाल, यानी महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी कह रहे हैं कि जो जगन्नाथ भगवान श्री जगन्नाथ का विग्रह नीलाचल धाम में ख्यात है यानी नीलाचल धाम में विद्यमान करता है, वही भगवान श्री जगन्नाथ जी का स्वरूप अच्युत के रूप में पद्मवन में विराजमान करता है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं मालिका के ऊपर। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद दास के द्वारा लिखित एक ग्रंथ जिसका नाम है श्री अच्युत अमृत वाणी, वहाँ से कुछ पंक्तियाँ हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। धूषण बहुत उठिव धूम प्राय कहोई, ज्योति उदेव दिन को दिन प्रताप कही, अनंत नाभिर उदय नित्य राहस जही, कुंडी कट कर महिमा भेद न पांति केही। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी यहाँ कहना चाहते हैं कि जिस तरह हम एक लकड़ी को जलाते हैं और शुरुआत में पहले क्या होता है कि वहाँ से काफ़ी मात्रा में धुआं निकलने लगता है और इतना धुआं निकलने लगता है कि हमें रोशनी सही ढंग से ठीक रूप से दिखाई नहीं देता, और कुछ देर बाद धुआं निकलने के बाद हमें रोशनी धीरे 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 करके दिखने लगता है। यहाँ महापुरुष ये कहना चाहते हैं कि सत्य का प्रकाश भी ठीक उसी तरह ही होता है, धीरे धीरे करके चारों तरफ उसका रोशनी फैलने लगता है। पहले तो वो धुंधला सा दिखता है लेकिन बाद में उसका रोशनी चारों तरफ पूरा विश्व में प्रकाश होने लगता है। अनंत नाभिर उदय नित्य रहस जही, कुंडी कटकर महिमा भेद न पांति केही। शायद ये बात आप सभी लोगों को पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में माता रुक्मिणी का हरण किए थे, और भगवान श्री कृष्ण जहाँ से जिस जगह से माता रुक्मिणी का हरण किए थे उसी जगह का नाम आज कलयुग में कुंडी नगर यानी कुंडी कटक है। ये सभी बातें हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, जो कुछ भी मालिका में लिखा हुआ है ठीक वही चीज़ को आप लोगों को पढ़कर सुना देते हैं। कुंडी नगर बोली जेवण ग्राम रुक्मिणी हरण लीला सेठार, ये पंक्ति मालिका में लिखा हुआ है। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी उसी कुंडी नगर के बारे में कह रहे हैं। अनंत नाभिर उदय नित्य रहस जही, अनंत नाभि यानी जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई आदि है ना ही कोई अंत है, हिरण्यगर्भा भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी कह रहे हैं कि इसी कुंडी नगर इसी कुंडी कटक पर अनंत नाभि यानी हिरण्यगर्भा भगवान श्री जगन्नाथ जी का उदय होगा। इसी घटना के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता लगेगा जो कि भगवान के परम और दिव्य भक्त होंगे। मालिका से जो प्रमाण मिलता है, आज भी कुंडी नगर यानी कुंडी कटक गुप्त रूप में है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसके दूसरे पंक्ति में फिर महापुरुष कहते हैं, दिनों को दिनों जे प्रमाण लागी थिबटी खेल अष्ट शंभु हाट नवर भीम आखड़ाशाल चौकी बट जे जहीकि भक्त मानक स्थान से हीठारे लीला हुईब देवी छंति प्रमाण। महापुरुष ये कह रहे हैं कि कुंडी नगर यानी कुंडी कटक का महिमा धीरे धीरे करके चारों तरफ प्रकाशित होने लगेगा, और जहाँ पर भगवान श्री अष्ट शंभु हैं और जहाँ पर भीम का अखाड़ा है। महापुरुष ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पर एक वट वृक्ष है जिसका नाम है चौकी वट, और जहाँ पर समस्त भक्तजनों का समागम होगा। वहाँ पर माता महामाई दुर्गा भगवती के रूप में है।
तो दोस्तों, हम ये आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के अंदर हर रोज़ कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है, और हमारा यही प्रयास है। और हमारा ये प्रयास तब तक चलता रहेगा जब तक आप लोगों के अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन ना आए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। भगवान का दिव्य और पवित्र नाम का उच्चारण करके आज का इस सत्संग को यहीं पर समाप्त करते हैं। राम हरे कृष्ण हरे, राम हरे कृष्ण हरे, राम हरे कृष्ण हरे, अनंत माधव हरे। तो दोस्तों, आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।